अगर कोई आपको भला बुरा कहता है हमारे बारे में या जिसे आप गुरु मानते हैं उनके बारे में, ऐसी कोई स्थिति बनती है, हम यह निवेदन करेंगे सच्चा चेला वही है जो केवल अपने गुरु की सुनता है। आप देखो ही मैं, इग्नोर करो, देखना ही नहीं। एक बार जिसे गुरु बना लिया, एक बार जिसको मान लिया, अगर वो वीडियो पर है तो केवल उसके वीडियो देखो, देखने की आवश्यकता ही नहीं है। अगर अपने केवल देखो अपने गुरु की, हम हमेशा बोलते हैं अपने बच्चों को एक आदत होनी चाहिए, शिष्यों की दृष्टि गुरु के ऊपर होना चाहिए। हमारा एक शिष्य था, ध्यान आया तो सुना रहा हूँ, दिल्ली का, वर्तमान में अमेरिका में रहता है, सापत्नीक रहता है। बहुत पहले वो छतरपुर आया था, छतरपुर तो किसी ने बताया कि यहाँ एक बागेश्वर धाम है, तो यहाँ हम झोपड़ी बना के रहते थे, झोपड़ी में बड़ी सेवा करता, 1.5 साल तक हमारे पास रहा, घर गया नहीं। हमने उसे कई बार कहा कि तुम घर जाओ, झोपड़ी में इतनी सेवा करता था, सच बोल रहा हूँ भैया, व्यासपीठ से बोल रहा हूँ, अगर हमें पानी की आवश्यकता है तो हम मंगा नहीं पाते थे, वो पहले ही लेकर खड़ा हो जाता था, इतना कनेक्शन था उसका हृदय से, इतना कनेक्शन था। रात भर वो सोते रहता था, रात भर वो जागते रहता था पैर पकड़ करके, हमारा तखट डला था झोपड़ी में, आज भी मुझे वो बाकिया याद है, वो पैर पकड़े रहता था, गुरुजी सो जाओ, जल्दी उठाता था, 3 बजे 2:30 बजे हम उठ जाते थे, सुबह प्रातःकाल में ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते थे, और हमारे उठने के बाद उसे पता है कि आप कितने बजे स्नान करेंगे, तो वो पहले से वस्त्र रख देता, कहना नहीं पड़ता। हम पूछते क्यों वस्त्र बोले रखे हैं, जाओ गुरुजी, पूरी लीपा पोती, झोपड़ी रहती थी, लाइट थी नहीं, झोपड़ी रहती थी, दिन भर बैठा, पढ़ा लिखा ग्रेजुएट लड़का, शायद वो अभी कथा सुन रहा होगा, USA में रहता है। उसकी धर्मपत्नी ने फिर केस कर दिया, हमने कई बार उसको कहा कि आप जाओ, उसकी धर्मपत्नी ने फिर FIR की हमारे नाम से, बागेश्वर सरकार ने ऐसा कोई मंत्र हमारे हस्बैंड पर चला दिया कि वो हमारे पास नहीं आता है, पागल हो गया, वशीभूत कर लिया। उस जमाने में पुलिस हमारे लिए बड़ी बात होती थी, पुलिस आई, हमने कहा गर्ग जी आज तो लंबा लफड़ा है, या तो हमने कोई बड़ा चमत्कार करवा दिया या लंबा लफड़ा हो गया। तो पहले लाल बत्ती चलती थी उस जमाने में, तो हाँ हाँ करते हुए पुलिस आई, उन्होंने पूछा क्यों भाई यहाँ बागेश्वर सरकार धीरेन्द्र कृष्ण कौन है, तो हमने भीतर से कही हम आई आए, पुलिस बोली कि आपके खिलाफ मुकदमा है, हम कही लो बाबा जी अब फिल्म पिट गई, किस बात की, तो वो पढ़ा लिखा था बालक, बोले फलाने फलाने ने आपके खिलाफ मुकदमा किया है और इसका जवाब हमें चाहिए, वो लड़का पढ़ा लिखा था, उसकी वो पत्नी भी आई थी पुलिस के साथ साथ, उसने अंग्रेजी में बात की, पता नहीं क्या की, हमें तो खबर नहीं, लेकिन पुलिस प्रणाम करके गई, इतना हमें ध्यान है। शर्मा जी TI थे यहाँ पर बमीठा थाने में, शर्मा जी TI थे, वो आज भी जीवित हैं, शर्मा जी जुड़े हैं, शर्मा जी TI थे, शर्मा जी और पुलिस प्रणाम करके गई, जब प्रणाम करके वापस गए तो हमने रात को उसको कहा कि बेटा अब तुम जाओ, हम नहीं चाहते हमारे कारण तुम्हारा गृहस्थ टूटे। वो गया, बात मान के गया, लेकिन धर्मपत्नी के आवेश के कारण लौट कर आज तक नहीं आया, पर आज ठाकुर जी ने ऐसी कृपा कर दी, पत्नी और वो दोनों वहाँ रोते रहते हैं, और हमें बता रहा था 10-15 दिन पहले फोन पर कि अब तो वो दिन भर आपकी फोटो के सामने से हटती नहीं है, 80 लाख का पैकेज है पर साल का उसका, नौकरी छोड़कर आया था, 80 लाख का पैकेज है उसका पर वर्ष का, वहाँ अमेरिका में बड़ा काम करता है। तो उसको हमने पूछा कि अब धर्मपत्नी तुम्हारी मानती क्यों, तो उसने पता है क्या जवाब दिया, बोले गुरुजी जब नौकरी लग गई और मैं इस कंपनी में CEO बन गया तो